राम। हाँ मैं बुंदेली चुगली से माधवी, तुम और देख रहे पूरे बुंदेलखंड के संगे संगे पूरे देश भर में लोकप्रिय उद्भव निश्चय है बुंदेली चुगली। ई मेरा की बड़ी खबर आ रही बिजावर से, सो देख ले रहे खबर का विस्तार से। ग्राम पंचायत रचपुरा सरपंच पति मनमानी करवे पे लगे हैं, पैसा लेके पीएम आवास दे रहे, ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए एसडीएम का ज्ञापन सौंपो। जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत रचपुरा के सरपंच पति रामरतन पाठक पैसा लेके पीएम आवास में मनमानी करवे में लगे हैं, अपने परिवार के नाम पे फर्जी बिल निकाल के पहुंच जात जी के कारण ग्रामीण ने आरोप लगाओ है। एसडीएम डीपी द्विवेदी के कार्यालय पहुंच के ग्रामीण ने शिकायत करी और मांग करी कि सरपंच पति के द्वारा कार्रवाई करी जाए और फर्जीवाड़े की जांच करके पात्र हितकारियों को नाम दौ जाए और लाभ प्रदान करो जाए और वास्तविक गरीब जी के पास में आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास को लाभ दौ जाए और सर्वे सूची में पात्र हितकारियों का नाम जोड़ दौ जाए। उतनी शिकायत पे एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करवे को आदेश दौ है। क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत राजपुरा। आज जो आवेदन देने आए थे किस संबंध में देने आए थे? वो पीएम आवास के संबंध में देने आए थे कि सरपंच जिस जिस के पैसे मिल जाते हैं तो उनके तो बन जाते हैं, जिस गरीब आदमी के पास पैसा देने को नहीं है तो उनके नाम काट दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी राजनीति भेदभाव पक्षपात करते हैं सरपंच, और इसकी सख्त कार्रवाई हो, जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसको आवेदन दिया गया? एसडीएम महोदय विधायक जी को। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने किया है कि इसकी जांच करवाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी जो इसके दोषी होंगे। जनपद पंचायत बिजावर के अंतर्गत अनियमितताओं के संबंध में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में की जा रही गड़बड़ी एवं अपने परिजनों के लिए वित्तीय अनुतोष प्राप्त करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच एवं प्रतिवेदन के लिए सीओ जनपद पंचायत को भेजा जा रहा है। धारा 40 की शक्तियाँ सीओ जिला पंचायत को प्रेषित हो गई हैं। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई हो सकेगी। सर रुपए लेकर कुटी ऐसे आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण? उनका कहना यह है कि जो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक हैं बगैर अनुतोष दिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत नहीं कराते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनके मकान पक्के लिख देते हैं, इसलिए उनकी नष्ट हो जाती है। जहाँ दी भैया ये मेरा की खबर, ऐसी खबर के संगे हम दोबारा आवी, तब तक के लाने फेसबुक चैनल का लाइक और शेयर करो और यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करो। तब तक के लाने राम राम।